आज की वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉइड टीवी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए टिकट इजी लर्न इजी और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। यूज योर फोन एज अ रिमोट कंट्रोल। एंड्रॉइड टीवी के साथ एक रिमोट आता है, लेकिन अगर वो एंड्रॉइड टीवी का रिमोट खराब हो जाता है या काम नहीं करता है, तो ऐसे में आपका एंड्रॉइड मोबाइल एज अ रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप है जिसका यूज करके आप आपके एंड्रॉइड टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्लूटूथ वायरलेस कंट्रोल। ये रिमोट कंट्रोल ऐप जो है दोस्तों, इसमें बहुत सारे फीचर है। अगर इसका पेड वर्जन आप खरीदते हो तो ये आपको बहुत सारे फीचर्स अनलॉक कर देगा, जिसमें से मेन फीचर है आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपने टीवी में। जैसे कि कोई यूआरएल, लंबा यूआरएल होगा तो उसको आप आसानी से उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो आपके एंड्रॉइड टीवी में। इसका एक लंबा चौड़ा एक वीडियो बना के दिया हुआ है मैंने, अपने इस डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, और ऊपर आई बटन पे भी आप उसे देख सकते हो। यूज वॉइस कमांड। कोई भी एंड्रॉइड टीवी या स्मार्ट टीवी एक रिमोट के साथ आता है, जिसमें वॉइस एनेबल्ड एक माइक होता है, जिसके जरिए आप कोई भी एंड्रॉइड टीवी कंट्रोल कर सकते हो। आप उसका यूज कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए या प्लेबैक कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। कस्टमाइज योर एंड्रॉइड टीवीज होम स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, आपका एंड्रॉइड टीवी बहुत ही कस्टमाइजेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्ले स्टोर पे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन आते हैं, जिसका यूज करके आप आपके एंड्रॉइड टीवी का होम स्क्रीन जो है वो कंट्रोल कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। आपके एंड्रॉइड टीवी का स्क्रीन का जो एप्लीकेशन है उसे आप रीअरेंज कर सकते हो, और इसमें जो आप कोई ऐप आपको हाइड करना है तो उसे भी हाइड कर सकते हो। यूज गूगल असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आपका एंड्रॉइड टीवी एक स्मार्ट टीवी होता है, जिसके जरिए आप अदर डिवाइसेस भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि कोई फैन या कोई कैमरा या कोई भी स्मार्ट डिवाइस आप आपके एंड्रॉइड टीवी के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। कास्ट कंटेंट फ्रॉम योर एंड्रॉइड मोबाइल और टैबलेट। आपके एंड्रॉइड टीवी में स्क्रीन आप डायरेक्टली मिरर करके आप शो या ऑफलाइन कंटेंट आपके मोबाइल से डायरेक्टली आपके एंड्रॉइड टीवी पे आप कास्ट करके बड़े स्क्रीन के ऊपर उसका आनंद ले सकते हो। इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्स। आपका एंड्रॉइड टीवी कंप्लीटली कस्टमाइजेबल तो होता ही है, उसमें आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में उसे डाउनलोड करके सेंड फाइल विद सेंड फाइल इस एप्लीकेशन का यूज करके डायरेक्टली साइड लोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो, या आप यूएसबी पेन ड्राइव का यूज करके भी उसे साइड लोड कर सकते हो। यूज पिक्चर इन पिक्चर मोड। बहुत सारे एंड्रॉयड टीवी इस फीचर के साथ आते हैं, जिसमें आप कोई भी लाइव वीडियो या लाइव टीवी चैनल देखते हुए आप अदर एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। एनेबल गेस्ट मोड। इस फीचर का यूज करके आपके एंड्रॉइड टीवी का एक्सेस आपके अगर फैमिली में कोई नया बंदा आता है तो उनको इसका एक्सेस दे करा सकते हो। यूज मल्टी यूजर प्रोफाइल। आपके एंड्रॉइड टीवी में आप अलग अलग जैसे कि एज ग्रुप के हिसाब से या प्रोफाइल आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो। यूज डेवलपर मोड। इस ऑप्शन का यूज करके आप आपके एंड्रॉइड टीवी को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हो। इसका एक वीडियो बना के रखा है, उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, और ऊपर आई बटन पे भी उसे चेक इट आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, तो मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।